आज हम आपको भरवा करेले की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो आज हम आपको भरवा करेले की सामग्री दिखाने जा रहे हैं। अभी दोस्तों ये आधा किलो करेले हैं जिनको हमने पहले से धो लिया है और इनको हमने ऊपर से नीचे से काट के बीच से इसमें चीरा लगा लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे करीब दो बड़े प्याज हैं जिनको हमने धो के काट के पहले से ही रखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये है भरवा करेले की सामग्री। ये हमारा करीब 1 से 1.5 चम्मच मेथी दाना है और ये हमारा 1 से 1.5 चम्मच जीरा है। ये 2 बड़े चम्मच हमारी सौंफ है। ये देखिए दोस्तों, ये 1 चुटकी हींग है। ये 1 चम्मच हमारी पिसी खटाई है। 1/2 चम्मच गरम मसाला है। 1 चम्मच हमारी हल्दी है और ये 2 से 3 चम्मच हमारी पिसी हुई धनिया है और ये 1/2 चम्मच चाट मसाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो ना डालें, मगर इसको डालने से भरवा करेले में स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये देखिए दोस्तों, ये नमक है और ये लाल मिर्च है। ये आप अपनी स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मसालों को हम पहले भूंज लेते हैं। ये देखिए, पहले हमने कढ़ाई में, हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और इसमें हमने पहले जीरा डाला है। जीरा हमारा अब तड़कने लगा है। ये देखिए, जीरे में से आवाज़ आने लगी है और जीरा अपना रंग बदल रहा है। इसी में ही हम इस मेथी को भी डाल देते हैं और सौंफ को भी। सभी मसालों को हम एक साथ कढ़ाई में भूंज लेते हैं। इन मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं भूंजने की ज़रूरत है कि एकदम काले पड़ जाए, थोड़े से बस इसको गर्म करने हैं कलर चेंज होने तक। जैसे ही ये कलर अपना चेंज करते हैं वैसे ही हम इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे मसाले भूनने शुरू हो गए हैं, इनमें से आवाज़ आने लगी है। ये देखिए दोस्तों, ये मसाले हमारे अब भुनकर तैयार हो चुके हैं और हम गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए, मसालों ने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब इनको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे देखिए मसाले सब भुन चुके हैं अच्छी तरह से। अब इन मसालों को प्याज के साथ और इन सभी मसालों के साथ हम पीस लेते हैं। दोस्तों ये देखिए, हमने सभी मसालों को पीस कर इसका पेस्ट बना लिया है। इसमें थोड़ा सा हमने पानी भी मिलाया है। पानी मिलाने से ये पेस्ट हमारा अच्छे से बन गया है। ये देखिए, अब इनको हम करेलों के अंदर भर देंगे। ये देखिए, इस तरह से सब करेलों में हम इस मसाले को भर लेंगे।
ज़्यादा। ये हमने सभी करेलों में मसाला भरकर सब करेलों को तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब हम कढ़ाई में करीब 2 बड़े चम्मच तेल डाल के इन सभी करेलों को भूनेंगे। ये देखिए, हमने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाला था और हमने इसको गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था। ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। ये देखिए, अब हमने हम सभी करेलों को डाल देंगे। ये देखिए, सभी करेलों को कढ़ाई के अंदर हम भूनने के लिए एक एक करके डाल रहे हैं। ये देखिए, कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है और ये करेले हमने डाल दिए हैं। इन करेलों को कम से कम 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे और ये देखिए दोस्तों, इन सब करेलों को हमने डाल दिया है और इसको एक प्लेट से करीब 10 मिनट के लिए हम ढक देंगे। देखिए, हमारे ये भरवा करेले बनकर बिल्कुल सुंदर से तैयार हो गए हैं। देखिए, देखने में कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं और जितने देखने में ये सुंदर हैं उतने ही खाने में भी स्वादिष्ट हैं। तो इसलिए आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे बने हैं।